आज हम बात करेंगे गुलाब की, रोजा सेंटिफोलिया, रोजेसी फैमिली का एक श्रब। कंपाउंड लीव्स हैं और इसमें हुकड़ हुक जैसे प्रिकल्स भी पाए जाते हैं। यह इंडियन रोज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। देसी गुलाब भी इसी को कहा गया है। आपको पता होगा कि गुलाब से गुलकंद तो हम बनाते ही हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी सिस्टम में, होम्योपैथी में बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कैरियोफाइलिन, बीटाइनिन, जिरानियोल, निरोल, कुर्सेटीन, क्लोरोजेनिक एसिड, यूजिनोल पाया जाता है और भी कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसके कारण यह एंटी एजिंग एंटी रिंकल एक्टिविटीज़ की होती है। चर्म रोगों के केस में, अगर चर्म रोग हैं, स्किन की त्वचा की कांति बढ़ाना चाहते हैं, चर्म रोगों से निजात पाना चाहते हैं, तो इसके पत्र और नीम के पत्र को लेकर पीस कर हमें लगाना चाहिए। एक्नी एक बहुत कॉमन समस्या है जो कि टीनेज में देखी जाती है। हॉर्मोन चेंज होते हैं तो उस समय बहुत कॉमनली एक्नी की समस्या होती है, जिसमें फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमें एक्नी से भी निजात पाना है तो इसका हमें गुलकंद का सेवन करना चाहिए और इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें लगाना चाहिए। यह हर्ट को बल देने वाला है, कार्डियोटोनिक भी इसको कहा गया है। हृदय की दुर्बलता को दूर करता है और भूख को बढ़ाने वाला है, एपेटाइजर है। इसके अंदर अम्ल पित्तता को सही करने की क्षमता भी होती है। हमें क्या करना है, इसके फूलों की पंखुड़ी को सुखाकर और कुंजा मिश्री के साथ इसको पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिए। रात को 5 से 7 ग्राम लूकवॉर्म वाटर के साथ इसको पीकर हमें सो जाना चाहिए। धीरे धीरे अम्ल पित्तता की समस्या दूर हो जाती है। यह हार्ट बीट की समस्या को भी, जो हृदय की जो गति है वो बढ़ जाती है, उसका भी ये निराकरण करती है, कंट्रोल रेगुलेट करती है। मूर्छा की स्थिति हो तो गुलाब जल को स्वैब में लगा के नाक आँख पर इसको लगाना चाहिए, मूर्छा से रोगी बाहर आ जाता है। इस प्रकार से यह स्किन बर्निंग की अगर समस्या हो, कहीं जल गया है, तो गुलाब जल का अप्लाई करना चाहिए। हमारे त्वचा के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए विशेष लाभकारी है और हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। कई बार गर्म दवाएं खाने से पेट में गर्मी भी हो जाती है, ऐसी अवस्था में इसके गुलकंद का हमें सेवन करना चाहिए। पुराने से पुराना जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाता है और ये हम अपने गमलों में भी लगा सकते हैं। इसके फूल का एक सीज़न होता है, साल में 2 बार आते हैं किसी किसी वैरायटी में, तो हम इसको सुखाकर इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार समय पे मिश्री पाउडर मिला के हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ लोग इसके साथ दूध का भी सेवन करते हैं, वो भी किया जा सकता है, काफ़ी हद तक सेफ है। साथ ही इसमें ध्यान ये रखना है कि मैं देसी गुलाब की बात कर रहा हूँ, रोजा सेंटिफोलिया। इसके अलावा हमारे भारत में 20 से ज़्यादा इत्र बनाने वाली स्पीसीज भी हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ रोजा सेंटिफोलिया की बात कर रहा हूँ, जिसको आपको औषधीय गुणों के लिए कारण इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। इस प्रकार आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आपके स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो आपको
अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य संरक्षण में अपनी भूमिका निभाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए। प्रणाम।